क्लास 11 यूनिट 2 में आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाई वी नीड इट, दैट इज व्हाई वी नीड मेजरमेंट। नाउ बच्चों ये देखो कि मेजरमेंट हमको क्यों चाहिए, अगर मेजरमेंट नहीं होता तो क्या होता, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है टू गिव अ नंबर टू सम प्रॉपर्टी ऑफ द थिंग इज मेजरमेंट। थ्रू मेजरमेंट फिजिक्स कैन डिस्क्राइब नेचर इन एन ऑब्जेक्टिव वे। ओके, अब एक्चुअली मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इट गिव टू गिव अ नंबर टू सम प्रॉपर्टी ऑफ अ थिंग। सपोज फॉर एग्जाम्पल, और ये इसका उसका नेक्स्ट ये है व्हाई वी नीड मेजरमेंट क्या है, वी नीड मेजरमेंट टू कंपेयर टू फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कोई पर्टिकुलर फिजिकल तो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको मेजर करने के लिए हमको मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है। इसको समझने के लिए सपोज ये हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये दो लाइन में से कौन सा लाइन बड़ा है कौन सा लाइन छोटा है ये कैसे पता करेंगे। अब ये तो देखने में लग रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। अब हमको अगर इसका तो इसको पता करने के लिए भी क्या करना होगा, हमको मेजर करना होगा। सपोज इसका मेजरमेंट आया 3 सेंटीमीटर एंड इसका मेजरमेंट आया 5 सेंटीमीटर। अब मेजरमेंट से ही हमको पता चला कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो फर्स्ट लेंथ है, ये सेकंड वाला लेंथ से छोटा है, इसलिए मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज, सपोज ये सर्कल है, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है ना। अब छोटा सर्कल कैसे है, क्योंकि इसका रेडियस सपोज 2 सेंटीमीटर होगा तो इसका रेडियस सपोज 5 सेंटीमीटर होगा, तो जिसका रेडियस बड़ा है उसका सर्कल भी बड़ा होगा। तो इस तरह से मेजरमेंट को यूज किया जाता है, मेजरमेंट को पर्टिकुलरली कोई दो चीज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज हम, अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज को हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे। ओके, नाउ इस आंसर में हमको एक टर्म मिला था वो है फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ओके, नाउ व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, विच कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। नाउ अब जैसे ये कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, ओके, सपोज एक रॉड हम ले लिए और इस रॉड को अगर हम हीट कर देंगे तो ये रॉड क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा, एक्सपेंशन होगा। नाउ ये तो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि वो अगर हीट देने से वो एक्सपैंड करता है। ओके, अब ये एक्सपेंशन कितना हुआ, सपोज 3 सेंटीमीटर हुआ। ओके, तो नाउ ये सब क्या कंसिडर, जो चीज भी हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज को हम मेजर करते हैं वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, वेट, मास, एनीथिंग, जो भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में भी, ओके, उस चीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बट कुछ कुछ चीज ऐसे भी हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स, फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, एंगर, लव, ये सब चीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इट कैन नॉट बी काउंटेड, सो दे आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए ये सब चीजें फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम फिजिकल क्वांटिटी को किस ऑर्डर में, मतलब अगर लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, वो है क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ एक फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, ओके, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक यूनिट। इन दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं होगा तो हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। Now, अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर विच काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, अब
न्यूमेरिकल वैल्यू जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये बताने से पहले हम पहले यूनिट को देख लेते हैं, यूनिट क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब यूनिट क्या है? अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। कोई एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है जो इंटरनेशनली रिनाउंड होता है, उसको बोलते हैं यूनिट। इट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सेम काइंड। तो हम सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब यहां पर सेम काइंड का मतलब क्या है बच्चों, ये देखो सेम काइंड का मतलब अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो सिर्फ एक लेंथ को, 1 मीटर को, ओके, हम सिर्फ लेंथ से ही कंपेयर करेंगे। सपोज सब यूनिट्स हो गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, तो ये सब जो उसका सेम काइंड है इसी के साथ ही मेजर कर सकते हैं। दैट्स वाई लिखा है सेम काइंड। हम 1 मीटर को 1 kg से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये दोनों चीजें अलग है। ओके, तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर एटसेट्रा। एम्पियर ऐसा यूनिट ऑफ करेंट है, केजी है मास के लिए, मीटर होता है लेंथ के लिए। ओके, नाउ अब हमको यूनिट पता है, हमको यूनिट पता चल गया, अब ये न्यूमेरिकल जो स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, सपोज एक स्टैंडर्ड इतना बड़ा लेंथ को अगर हम 1 मीटर ना, 1 मीटर ले लिए, ये किस इंटरनेशनली ये अगर रिनाउंड है कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा लेंथ को अगर हम 1 मीटर लेते हैं, 1 मीटर लिए। ओके, अब इतना बड़ा लेंथ को अगर हम मेजर करना होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे, ये 1 मीटर लेंथ को हम नंबर ऑफ टाइम्स देख लेंगे कि कितना, तो 1, 2 और 3, ये 3 टाइम्स में हुआ तो 3 × 1 मीटर ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ओके, इसलिए जो यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, ये 3 वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा गया है। इट इज जस्ट अ नंबर विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट को कितना नंबर ऑफ टाइम्स में कोई चीज को मेजर करने के लिए काउंट किया गया है, तो कितना बार काउंट किया गया, 3 टाइम्स काउंट किया गया है, तो ये टोटल लेंथ कितना हुआ, 3 मीटर हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स तो 1, 2, 15 कुछ भी हो सकता है, तो 15 टाइम्स अगर हो गया तो 15 मीटर। अगर वेट को अगर हम मेजर करेंगे 1 kg को, तो 1 kg अगर 20 टाइम्स हुआ तो 20 kg हो जाएगा। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी को हमको दो चीज चाहिए, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर है यूनिट। ओके, सपोज वेट को अगर हमको मेजर करना होगा 5 kg, अगर हम लिखेंगे सिर्फ 5 तो उससे कुछ पता नहीं चल रहा है 5 से, अगर लिखेंगे सिर्फ केजी तो कितना केजी ये भी नहीं पता चल रहा है। अगर इन दोनों को एक साथ अगर हम लिख दें 5 kg, तब पता चला कि कोई चीज का वेट है, कोई पर्टिकुलर मटेरियल का वेट है, वो है 5 kg। ओके, तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा जाता है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ राइटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ अ फिजिकल क्वांटिटी को किस फॉर्म में लिखेंगे हम, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज NU, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, जिस तरीके से हम बताए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, तो वही है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट यूनिट्स। तो कैसे कंपेयर करेंगे, नाउ लेट N1 एंड N2 बी द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट यूनिट्स, दैट इज U1 एंड U2, सॉरी दिस इज U1 एंड U2। सो वी कैन राइट एज NU एज U1 U2 इक्वल्स टू N2 U2 इक्वल्स टू हम N3 U3 भी लिख सकते हैं, डॉट। ये जो वैल्यूज है, अगर प्रोडक्ट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। ओके, नाउ अब ये दोनों को अगर हम कंपेयर कर देंगे, तो ये दोनों यूनिट को अगर लेंगे तो ये दोनों यूनिट को कंपेयर करके हम कोई भी चीज का यूनिट को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ सिंस प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज दैट इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट NU इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 इक्वल्स टू KS कॉन्स्टेंट। अगर हम इसको एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा NU इक्वल्स टू K। तो NU इक्वल्स टू K ले लिए, तो NU इक्वल्स टू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/U। नाउ
अब अगर ये इक्वल टू साइन को अगर हमको रिलीज करना, अगर हटाना है तो ये जो कांस्टेंट टर्म के साथ उसको हटाया जाता है, ओके, तो कांस्टेंट टर्म के साथ हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यू। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यू। इट मीन्स कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या है, घटेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट घटेगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा देखते हैं एग्जाम्पल में। नाउ रिमेंबर दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट और इनवर्स और वाइज वर्सा। वाइज वर्सा मीन्स इसको यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n भी लिख सकते हैं, वही है वाइज वर्सा। ओके, नाउ ये एग्जाम्पल क्या दिया गया, एग्जाम्पल सपोज 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter होता है, ये पता है बच्चों। नाउ 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter होता है, तो अब देखो ये जो 1 है ये बढ़ के, ये बढ़ गया, नंबर इंक्रीजेस, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गया 100 में, ये देखो ये 100 में इंक्रीज हो गया, लेकिन जो यूनिट है मीटर से घट के किस में हो गया, सेंटीमीटर में। ओके, सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से, हेंस नंबर इंक्रीजेस एंड यूनिट डिक्रीजेस। ओके, तो होपफुली आपको ये पता चला होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट, मेजरमेंट, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब बेसिक चीज है जो आगे हम यूज करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे फंडामेंटल यूनिट्स है और डिराइव्ड यूनिट्स, अदर अदर मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।